हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन एलियन स्किन प्रॉब्लम की, डार्क सर्कल्स। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ड्यू टू स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। मुझे भी काफी डार्क सर्कल्स हैं जो कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से हैं। अभी तो मेकअप के नीचे इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बट आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी। मैंने रिसेंटली मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम ट्राई की है, मैं इसी का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है जिसके हेयर केयर और स्किन केयर रेंज बहुत ही अच्छी है। इस क्रीम को मैंने 3 to 4 months पहले परचेज किया था और तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ। मामा अर्थ एक क्रुएल्टी फ्री और पैराबिन फ्री ब्रांड है। पैराबिन वाले प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी स्किन या हेयर पे ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इस क्रीम की खास बात यह है कि इसमें कॉफी है और क्यूकुम्बर है, जो कि आपके अंडर आई एरिया को काफी हाइड्रेटेड रखता है। मेरी अंडर आई एरिया काफी ड्राई है, तो मुझे एक ऐसी क्रीम चाहिए था जो कि मेरे अंडर आई एरिया को हाइड्रेटेड रखे और साथ ही में डार्क सर्कल के लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो मैंने इसीलिए ये क्रीम को परचेज किया। इस क्रीम की MRP है 599 rupees, बट मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था और बहुत सारे ब्लॉगर्स के डिस्काउंट कोड्स भी हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी है 50 ml, जो कि काफी ज्यादा है। 50 ml के लिए अगर आप 599 rupees भी पे करते हैं तो ये काफी अच्छी डील है। और इस क्रीम का टेक्सचर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप इसकी बॉटल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने ये इसे कितना ज्यादा यूज किया है। इसके प्रिंट्स जो हैं सारे रिमूव हो गए हैं। ये पंप के साथ आता है और इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और अंडर आई एरिया को बहुत ही हाइड्रेटेड रखता है। और उसके बाद थोड़ी देर में ही ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। अगर आपके अंडर आई एरिया में रिंकल्स हैं, पफीनेस है या क्रो फीट हो गए हैं तो आप इस क्रीम को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस क्रीम को अच्छे से यूज करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इसने कुछ हद तक मेरे डार्क सर्कल को रिड्यूस किया है और अंडर आई के नीचे जो रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो भी मेरी काफी हद तक दूर हो गई है। कंसीलर लगाने से पहले भी जब मैं ये क्रीम अप्लाई करती हूँ तो कंसीलर क्रीज नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम कई बार दूसरी वजह से भी होती है। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी मेंशन है कि फॉलो द रूल ऑफ 8 hours ऑफ स्लीप और 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। सो गाइज, हमें कुछ रूल्स अपने लाइफस्टाइल में भी अपनाने चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, तभी कोई प्रोडक्ट जो है काम करता है पूरी तरह से। सो गाइज, अगर आप कोई अंडर आई क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। ये नाइका, अमेजोन और मामा अर्थ की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके डिस्काउंट कोड्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें प्लीज चेकआउट कीजिए और उन्हें अवेल कीजिए। सो गाइज, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अंडर आई एरिया पर इस क्रीम को कैसे अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं रिंग फिंगर पर एक ड्रॉप ये क्रीम ले लेती हूँ। आप रिंग फिंगर से ही अंडर आई क्रीम अप्लाई करें क्योंकि इसी में सबसे लीस्ट प्रेशर होता है। और उसके बाद दूसरी फिंगर से मैं इससे इसे अच्छे से वार्म अप करती हूँ। उसके बाद आईज पर इस तरह से डैप डैप करके मैं सर्कुलर मोशंस में इसे मसाज करती हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से। और मैं मसाज अंदर की तरफ करती हूँ 30 seconds इसकी मसाज के बाद इसे डैप डैप करती हूँ ताकि ये अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। कभी कभी जब मुझे अंडर आई एरिया बहुत ड्राई लगता है तो मैं ये स्टेप रिपीट भी करती हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है, काफी हाइड्रेटेड रखती है स्किन को। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है लेकिन ये क्रीम काफी अच्छा वर्क करती है। सो गाइज, आई होप ये रिव्यू आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।